इस साल दीपिका पादुकोण की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया और जब दीपिका की कंटेम्पररी कटरीना कैफ से पूछा गया whether दीपिका's hits put pressure on her, कटरीना said, I feel I am blessed in my career so far. God has given me more than what I have asked for. Competition is a good thing. It pushes you to do good work. अमिताभ बच्चन और रेखा की हिट जोड़ी हम वेलकम बैक में देख पाते मगर रेखा ने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर दिया है साइटिंग डेट इश्यूज अपेरेंटली हर शूटिंग डेट्स ऑफ वेलकम बैक वर क्लैशिंग विद इंद्र कुमार्स फिल्म सुपर नानी फिल्म मेकर राकेश रोशन ने रिसेंटली मराठी फिल्म मेकर अनूप जगदाड़े को लीगल नोटिस भेजा क्योंकि वो बिना राकेश की परमिशन लिए उनकी सुपरहिट फिल्म खून भरी मांग का मराठी रीमेक बनाने जा रहे थे अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की जोड़ी एक साथ नजर आने वाली है बोनी कपूर की अनटाइटल्ड फिल्म में जो कि तेलुगु फिल्म उक्कड़ की हिंदी रीमेक होगी इस फिल्म को संजय कपूर को प्रोड्यूस करेंगे एंड द शूटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन बाय जनवरी 2014 खबरों की माने तो रिसेंटली श्रुति हासन का सामना उनके एक ऑब्सेसिव फैन से हुआ ये फैन श्रुति के घर तक आ पहुंचा और उसने श्रुति पर अटैक किया एंड ही ट्राइड टू स्ट्रैंगुलेट हर शी पुश्ड हिम अवे एंड हिज हैंड गॉट जैम्ड इन द डोर इस इंसिडेंट की वजह से श्रुति अभी भी शॉक में है अजय देवगन ने रिसेंटली एक शूटिंग ब्रांड के एड कमर्शियल की शूटिंग की जिसे डायरेक्ट किया संजय गुप्ता ने वैसे इस एड को पहले रोहित शेट्टी डायरेक्ट करने वाले थे मगर वो उनकी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग में बिजी थे हाईवे फिल्म की एक्ट्रेस आलिया भट्ट का लुक तो रिवील कर दिया गया है मगर इस फिल्म के लीड एक्टर रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर को अभी तक एक्सपोज नहीं किया गया एज डायरेक्टर इम्तियाज अली वॉन्ट्स टू कीप इट एज अ मिस्ट्री राजकुमार हिरानी जो कि बांद्रा ईस्ट में रहते हैं हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू गोरेगांव जहां उन्होंने एक बंगलो खरीदा है राजू ने इस घर का पता किसी को भी नहीं दिया है एंड इट्स अ सीक्रेट फॉर मेनी एज ही वांट्स टू कंसंट्रेट ऑन अ स्क्रिप्ट कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि सलमान खान स्टारर बड़े भैया में उनके ऑपोजिट दीपिका पादुकोण को फाइनलाइज कर लिया गया है बट रिसेंटली दीपिका ने इस खबर को बस एक रूमर कहा दीपिका की माने तो अभी तक किसी ने उन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच भी नहीं किया है Bollywood actress Aisha Takia and her restaurateur husband Farhan Azmi are expecting their first baby next month. Aisha, जो कि limelight से कुछ वक्त तक दूर थी, was last seen hosting a reality show. खबरों की माने तो सिद्धार्थ मल्होत्रा रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर की फिल्म विलेन में कमाल आर खान नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते दिखेंगे कहा जा रहा है कि डायरेक्टर मोहित सूरी ने उन्हें इस रोल के लिए फाइनलाइज कर लिया है करने में माहिर एक्टर विद्युत जामवाल ने एक और एक्शन फिल्म साइन कर ली है विच विल बी ऑन द लाइंस ऑफ द हॉलीवुड हिट 300 इस फिल्म में विद्युत कलरी पैट जैसे डिफिकल्ट मार्शल आर्ट परफॉर्म करते दिखेंगे इमरान खान करीना कपूर और डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा एक साथ मीडिया इंटरव्यूज देते हुए स्पॉट किए गए हियर इज व्हाट दे हैव टू से अबाउट दिस फिल्म व्हाट्स नाइस अबाउट गोरी तेरे प्यार में इज दैट अगर आप फिल्म देखें तो उनका फर्स्ट हाफ कंप्लीटली अर्बन है It's one of those films where, you know, you can relate to I love stories. Youngsters will relate to the first half of the film. The second half hai, usme pura twist ho jata hai. Normally films have a curse of the second half, kya ho raha hai second half mein. Yahan jo story puri palatti hai, it becomes even more interesting. I think the second half of the film is more fun. This is a very sweet family entertainer. Aur aise type ki film abhi aayi nahi hai bahut waqt se. And I think it's quite refreshing kyunki bahut hi sweet si film bani hai. बहुत ही एंटरटेनिंग है जब लोग थिएटर में जाएंगे दे विल नॉट कम आउट एंड से दैट दे विल कम आउट एंड से कि बहुत मजा आया देख के सोनू सूद मिलिंद सोमन विद्युत जामवाल और राणा दागुबत्ती एक साथ नजर आए एक मेंस डिओड्रेंट को अनवील करते हुए देखते हैं इस इवेंट के कुछ हाइलाइट्स एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की फिल्म व्हाट द फिश का हाल ही में हुआ ट्रेलर लॉन्च इस इवेंट में डिंपल के साथ नजर आए एक्टर्स आनंद तिवारी और मंजोत सिंह जो कि इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते नजर आएंगे